नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपको पता है, यह चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर, क्योर, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उनसे संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओटाइटिस, अर्थात कानों में जो सूजन होता है आपके डॉग्स के या पेट्स के, उसका क्या उपाय है और क्यों होता है और कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की। कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारे डॉग्स के कानों में सूजन हो जाता है, मतलब कि उसका सिम्टम जब दिखेगा तो आपका डॉग बार बार अपना हेड शेक कर रहा होगा, मतलब सर को काफी हिलाता है, काफी झकझोरता है अपने सर को, या बहुत बार पंजों से जो है अपने कान के ऊपर जो है पंजों से मारता है और काफी रेस्टलेस होता है, काफी बेचैन होता है। उसके कान से किसी तरह का बदबू भी निकल सकता है या कोई डिस्चार्ज भी वहां से जो है आ सकता है, जिसमें पस वगैरह भी मिला होता है या हल्का ब्लडिस रेड भी वहां पर जो फ्रूट निकलेगा वो हो सकता है, उसका कलर वहां बदबू भी हो सकता है। और आपका डॉग का टेम्परेचर बढ़ सकता है, मतलब उसको फीवरिस भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है और उसका भूख भी घट सकता है। तो ये सभी लक्षण अगर है तो निश्चित रूप से देखने की जरूरत है कहीं आपके डॉग्स को ओटाइटिस तो नहीं है, अर्थात कानों में सूजन तो नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन तो उसके कानों को नहीं लग गया है। तो अब देखते हैं कि ओटाइटिस होता क्या है। तो सीधा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर्स, मतलब कानों के सूजन को हम लोग ओटाइटिस कह रहे हैं। तो इसके तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर बाहरी कान में है आउटर ईयर में तो इसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोल सकते हैं, मिडिल ईयर में है ओटाइटिस मीडिया, और अगर अंदरूनी कान में है तो उसको ओटाइटिस इंटर में कर सकते हैं। तो इसका हम लोग कारण देखते हैं, एटायोलॉजी क्यों होता है ओटाइटिस। तो इसका मुख्य रूप से है कि किसी तरह का पाला कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया मेनली स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, स्टाफिलोकोकस हो सकता है, कोरिनेट बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, इस तरह के बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनके कारण ईयर्स का इन्फ्लेमेशन या वहां इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, जिससे ओटाइटिस बाद में क्रिएट हो जाए। उसके अलावा जो है कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जिनके कारण हो जाए, जैसे एस्टिफिलोफिलेरिया है या ओटोबियस है, सार्कोप्टिक में है, ये सब के कारण भी जो है आपके डॉग्स को ओटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ एक फॉरेन बॉडी है या कुछ ट्रॉमेटिक इंजुरी है, फॉरेन बॉडी जैसे कुछ अगर धूल कण चला जाए, कुछ कंकर ये सब चला जाए आपके डॉग के कान में, या किसी तरह का अगर कोई प्रिक हो जाए या किसी तरह का इंजुरी हो जाए, ट्रॉमेटिक इंजुरी, तो उसके कारण भी जो है आपके डॉग्स को ओटाइटिस हो सकता है। और अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है शुरू में तो वो बाद में जो है मिक्स्ड हो सकता है, वहां फंगल भी ग्रो कर सकते हैं और वहां फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके डॉग्स को। तो अब उसको हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि उसके कुछ लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, आपका डॉग अपना सर काफी बार बार हिलाना शुरू कर देता है या अपने कानों के ऊपर पंजा मारना शुरू करता है, काफी बेचैन होता है, खाना नहीं खाता है, उसके शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है उस इन्फेक्शन के कारण, तो और उसके कानों से किसी तरह का फ्लूड निकल सकता है, कोई डिस्चार्ज वहां से बाहर आ सकता है, तो उस डिस्चार्ज को में बदबू भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्राइमरी स्टेज में तो बदबू नहीं भी हो सकता है, तो उसको देखना है और उस टेस्ट को ले, उसका जो एक्सुडेंट निकलता है या जो फ्लूड वहां से निकल रहा है उसको लैबोरेटरी में भेज करके टेस्ट करके वेटरनियंस जो है या लैब में टेस्ट कर सकते हैं कि आखिर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किस कारण से आपके डॉग को ओटाइटिस हुआ। तो मेनली इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का बात करते हैं, कैसे इसको ओटाइटिस को ठीक करेंगे, जब पता चल गया कि हाँ ओटाइटिस है, इसको कान में सूजन हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके लिए सबसे पहले ईयर्स को जो है आपके डॉक्टर या वेट जो होते हैं उसको साफ करते हैं। साफ करने के लिए मेनली जो है क्लोरहेक्सिडीन से साफ करते हैं या बहुत बार जो है H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उससे भी ईयर्स को साफ किया जाता है, क्योंकि बिना साफ किए वहां पर कोई भी अगर आप ईयर ड्रॉप या कोई मेडिकेशन का यूज करते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। तो पहले वहां से पस या डेड सेल जो होते हैं आपके डॉग्स के ईयर में उसको वहां से निकालना होता है, तो उसके लिए जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर क्लोरहेक्सिडीन से वहां ईयर्स को साफ करते हैं। उसके बाद जो है वहां पर कुछ एक ईयर ड्रॉप्स होते हैं जिसका यूज किया जा सकता है, जिसमें नॉर्फ्लॉक्स है या सिप्लॉक्स है या क्लोरमाइसिटिन है, इस तरह के बहुत सारे ईयर ड्रॉप्स आते हैं, पोमिशोल भी है जो काफी कॉमन है आपके, या ओटीरेल है, इस ब्रांड नेम से जो है आपके डॉग्स के लिए जो है बहुत से ईयर ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल है, जो आप लेकर के कोई भी ईयर ड्रॉप्स 5-5 बोतल दोनों कान में डाल सकते हैं या जो अफेक्टेड ईयर है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार जो है सिंगल ईयर में भी हो सकता है या बहुत बार दोनों ईयर को भी अफेक्टेड कर सकता है।
ईयर ड्रॉप डालने के साथ साथ आपको जो है कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वहां देने का जरूरत होगा, जिसमें एम्पिसिलिन, ग्लॉक्सासिलिन है, सेफ्ट्रियाजोन है, टेरामाइसिन है या टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का एंटीबायोटिक भी वहां आपको यूज करना पड़ सकता है कुछ दिनों तक। और यदि वहां पर किसी तरह का पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है या कोई एलर्जिक है जिसके कारण भी बार बार इचिंग और स्क्रैचिंग कर रहा है आपका डॉग, तो वहां पर जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी जो है जैसे सेट्रिजिन वगैरह है या एविल जो है वो आपको वहां पर देना पड़ सकता है। और उसके बाद जो है आपको बहुत बार जो है अगर काफी पेनफुल होता है तो वहां कुछ एक पेन किलर्स भी आपको देने पड़ सकते हैं या कुछ सिडेटिव एनाल्जेसिक्स भी वहां देने पड़ सकते हैं, जैसे जाइलाजिन है उसका इंजेक्शन भी वहां पर आपके डॉग्स को देना पड़ सकता है। तो जरूरत है कि अगर आपके डॉग को इस तरह का कोई भी लक्षण पाया जा रहा है ओटाइटिस का, तो देर न करें, अपने वेटरनरियन के पास या नजदीकी वेटरनरी हॉस्पिटल में ले जाएं। और इससे बचाव का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आप अपने डॉग को क्लिनिक्स ले जाते हैं या उसके ग्रूमिंग के लिए ले जाते हैं तो वहां पर उसके कानों के विशेष सफाई पर भी ध्यान दें और रेगुलर जो है अपने डॉग्स का ईयर चेकअप करते रहें, कहीं वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कहीं कोई डर्ट या गंदगी तो वहां नहीं बैठ गया है, उसको साफ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है उम्मीद रहेगा कि आपका डॉग्स जो है ओटाइटिस से पीड़ित नहीं होंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए हमारे वीडियो पर को देखते रहे, चैनल पर बने रहें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।